मेरा नाम नवनीतन है, मैं चेन्नई से हूँ। मेरा नाम पॉलिना है, मैं मेक्सिको से आई हूँ। वागीशा गुप्ता, मुंबई से। मेरा नाम अक्षय है, अक्षय वागेला। विवेक रुद्र, नोएडा से। स्टीवन, जर्मनी से। मेरा नाम अनिरुद्ध है, मॉस्को, रूस से। निकोल, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका से हूँ। गौरव भूरा, जयपुर। गर्मियों के संक्रांति और सर्दियों की संक्रांति के बीच के समय को आमतौर पर साधना पद कहा जाता है। खासकर उत्तरी गोलार्ध में ये ऐसा समय होता है जब साधना सबसे असरदार होती है। साधना का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके कुछ करना नहीं है, साधना का मतलब काम करना सीखना भी है। साधना का मतलब कम से कम टकराव के साथ लोगों के बीच रहना भी है। हम दुनिया में इस तरह के लोग बनाना चाहते हैं। मैंने ईशा के साथ कई कोर्स किए हैं और इनर इंजीनियरिंग के बाद मैंने वास्तव में महसूस किया कि मैं सद्गुरु की मौजूदगी में ज्यादा समय बिताना और अपनी साधना को गहरा करना चाहती थी, इसीलिए मुझे लगा मुझे वहाँ जाना ही है। मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत कम लोगों को 7 महीनों के लिए आश्रम आकर स्वयं सेवा करने का और यहाँ रहने का अवसर मिलता है। हम यहीं रहकर सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, यह अद्भुत है। यहाँ सब कुछ बिना मेहनत के होता है, सब कुछ, हर कोई एक दिशा में बढ़ रहा है और हम इस ऊर्जा में, इस वातावरण में हैं जो बेजोड़ है। घर पर मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकता हूँ और अपनी क्रियाएं कर सकता हूँ, मगर आश्रम में हर पल आपकी परीक्षा होती है। यहाँ साधना करना बहुत आसान है, वह अपने आप प्रवाहित होती है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और यहाँ फोकस अपने आप आ जाता है। यहाँ साधना करना बहुत सुंदर है। ये एक अजीब अनुभव है, किसी पंख की तरह हल्का होना पर साथ ही मजबूत भी होना। घर पर मैं इसे बस एक व्यायाम की तरह करती थी, मगर पिछले 7 दिनों में मैंने जब साधना की तो आखिर में मेरा आँख खोलने का मन नहीं करता था। एक मेडिकल छात्र होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि शरीर को मोड़ते हैं तो ये आपके मन को प्रभावित कर सकता है और ये मेरे लिए एक जबरदस्त अनुभव था। मैंने देखा कि जीवन मेरी अपनी सीमा, अपने मन से परे चला गया है। जीवन हर कहीं है, जबकि पहले मैं सचेत नहीं था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, और ये देखना आंखें खोल देने वाला अनुभव है। सद्गुरु ने कहा है कि आप हर हाल में भक्ति में जी सकते हैं। फिर मैं सोचने लगा कि क्या मैं खुद को काम में पूरी तरह से समर्पित कर पाऊंगा। मेरे अंदर बहुत से सवाल थे, वे सभी गायब हो गए। अब मैंने खुद को समर्पित कर दिया है और मैं आजाद और शांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगा वो इतनी दूर है, मैं चल नहीं पाऊंगी, मगर जब मैंने प्रदक्षिणा पूरी की तो वो बिना किसी मेहनत के हो गई, और जब मैं ध्यान लिंगा में बैठी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। खुशी या परमानंद से ये मैं नहीं जानती। जब हम वो पूरा करके ध्यान लिंग पहुंचते हैं, अंत में मैं बस खड़ा होता हूँ और लगता है कि सब कुछ गायब हो गया है और बस शांति है। मैं अपने हाथ भी बहुत कम महसूस कर पाता हूँ। मैं बस वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, बस ध्यान लिंग के दर्शन करता हूँ और मेरे अंदर कुछ स्थिर हो रहा होता है। मेरे शरीर में इससे एक तरह का लचीलापन आ रहा है। मेरा हाथ फर्श तक नहीं पहुँचता था, मगर अब शायद सूर्य क्रिया और योगासनों के कारण मेरे अंदर लचीलापन आ रहा है और मैं वो कर पा रही हूँ। मैं अचानक से अधिक लचीला हो गया और इस स्थान ने शांभवी को फोकस, स्पष्टता और शांति के एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। यह न सिर्फ अभ्यास में सहायक है, बल्कि आसपास ऐसे लोगों का होना, दूसरे लोगों को साधना करते देखना, खुद को प्रेरित होते देखना, इन सब से अभ्यास बेहतर होता है।